खत्म होगा अत्याचार, आप देखेंगे सिर्फ समाचार। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान, गरीबी के निशान, हमारे जवान देश के साथ। गोरखनाथ पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम ने धर्मशाला ओवर ब्रिज के पास एक सातिर बदमाश को पिस्टल कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मेरी जानकारी के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कुसुम व पुलिस अधीक्षक क्राइम के पर्यवेक्षण में काम करे गोरखनाथ पुलिस व क्राइम ब्रांच को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि एक बदमाश रेलवे स्टेशन से गोरखनाथ की तरफ कार लेकर आ रहा है, जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। जिस पर पुलिस ने धर्मशाला ब्रिज के पास कार को रोकने का प्रयास किया तो पुलिस टीम को देखकर कार में मौजूद व्यक्ति भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। वह पकड़े गए व्यक्ति ने पूछताछ के दौरान अपना नाम सचेंद्र सिंह और फिर सिंजू पुत्र जगदीश सिंह निवासी सोपाई घाट थाना बेड़ा घाट बताया, जिसके पास अवैध पिस्टल कारतूस बरामद हुआ है। इस दौरान व्यक्ति के विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। गोरखनाथ से प्रमोद पांडे की रिपोर्ट। 5-6 दिन पहले एक व्यापारी की जो मुनिमी का काम करता था, रात में स्टेशन रोड पर भोर में उसके साथ घटना हो गई थी। प्रथम दृष्टया व्यापारी को गोली लगी थी, हत्या का मुकदमा कायम हुआ था। पुलिस ने उस घटना का असफल अनावरण किया है। स्वाट टीम और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त प्रयास करके इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे घटना का अनावरण किया है, जिसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। बेसिकली यह हत्या लूट के लिए की गई थी और इसमें 9,70,000 रुपये लेकर के व्यापारी का मुनीम दरभंगा से आ रहा था। 6 लाख रुपए उसने अलग कमर में बांध रखे थे, 3,70,000 रुपया उसके बैग में होने की संभावना है। इसमें एक दूसरे व्यापारी ने इसकी सुरागरसी की, उसी ने बदमाशों को ला करके स्टेशन पे मृतक की पहचान कराई और वह जैसे ही स्टेशन के बाहर करीब 5 बजे के आसपास निकला, बैग छीनने का प्रयास किया, जिसमें बैग छीनने के बाद उसने कहा कि मैंने आप लोगों को पहचान लिया है। इस पर बदमाशों ने मुड़कर उसको गोली मार दी और उसकी हत्या हो गई। 3 अभी गिरफ्तार हुए हैं, इनसे घटना में प्रयुक्त पिस्टल बरामद हुई है, उसके अलावा एक देसी तमंचा बरामद हुआ है, 1,10,000 रुपये कैश बरामद हुए हैं। अभी इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है, उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी कराकर शेष जो रुपये बचे हुए हैं उनकी बरामदगी सुनिश्चित कराई जाएगी। 6 लाख रुपया उसी दिन बरामद हो गया था, शेष में से 1,10,000 आज बरामद हुआ है। 3 अभियुक्त आज जेल भेजे जा रहे हैं, इसमें विधिक कार्रवाई करा जा रही है और इनमें सुसंगत धाराओं का समावेश करा दिया गया है। जिस व्यक्ति की हत्या हुई है वह लगभग 65 वर्ष का वरिष्ठ नागरिक है और इसमें सुरागरसी करके बदमाशों को जो बुलाया गया वह व्यक्ति भी 68 साल का है, वह भी वरिष्ठ नागरिक है और दोनों पिछले 10 साल से उनकी दोस्ती थी, साथ साथ उनका आना जाना था। यहाँ से दरभंगा और आसपास के जिलों में उनका जो व्यवसाय था उस सिलसिले में जाते थे। दोनों ही मुनीम थे, दोनों की अच्छी दोस्ती थी, लेकिन उसी में से एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के साथ इतना बड़ा विश्वासघात करके उसकी हत्या करा दी। दोस्तों का भी गलत किया है इस संबंध में? निश्चित रूप से।